Hello kids, welcome back to our online class. हम आपका chapter 2 पढ़ रहे थे और chapter 2 के अंदर हमने क्या किया था, my body helps me हमने किया था. तो आज हम करने जा रहे हैं body parts में hands and fingers. I have two hands. मेरे दो हाथ हैं. Each hand has four fingers and a thumb. मेरे दोनों हाथों में चार चार उंगलियां हैं and एक एक अंगूठा है. आप अपना हाथ देखिए, आपके हाथ में काउंट कीजिए कितनी फिंगर्स हैं. 1 2 3 4 फोर फिंगर्स हैं एंड वन थंब, एक अंगूठा है. क्या लिखा है यहाँ पे, ईच हैंड हैज फोर फिंगर्स एंड अ थंब. आई डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद माई हैंड्स. आई डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद माई हैंड्स. मैं ये वाली सारी एक्टिविटीज अपने हाथों से करता हूँ. फर्स्ट इज दे हेल्प मी टू राइट. दे मतलब हैंड्स, किस लिए करते हैं, क्या करते हैं ये, हेल्प, help, हेल्प, हेल्प मी, मी मतलब मुझे हेल्प करते हैं किस लिए, टू राइट, लिखने के लिए. राइट मतलब लिखना, आप लिखते हो ना अपने हाथों से. दे हेल्प मी टू राइट. दे हेल्प मी टू होल्ड थिंग्स. दे हेल्प मी टू होल्ड थिंग्स. ये मुझे किसी भी चीज़ को पकड़ने में, होल्ड मतलब पकड़ने में, थिंग्स मतलब चीज़ें, किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं. जैसे यहाँ पे बुक पकड़ रखी है, पेंसिल पकड़ रखी है, तो मुझे किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं मेरे हाथ. दे हेल्प मी टू पुल एंड पुश थिंग्स. दे हेल्प मी टू पुल एंड पुश थिंग्स. पुल मतलब खींचना और पुश मतलब धकेलना. पुल मतलब खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना. पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना. नेक्स्ट इज दे हेल्प मी टू थ्रो थिंग्स. दे हेल्प मी टू थ्रो थिंग्स. ये मुझे हेल्प करते हैं किस लिए, किसी चीज़ को फेंकने में. किसी चीज़, थिंग्स मतलब चीज़, थ्रो मतलब फेंकना, किसी चीज़ को फेंकने में ये मेरी हेल्प करते हैं. दे हेल्प मी टू ईट फूड. दे हेल्प मी टू ईट फूड. ये मुझे किसी भी चीज़ को खाने में, फूड को खाने में मदद करते हैं. खाना खाने में मदद करते हैं, खाना आप हाथों से खाते हैं ना, तो खाना खाने में मदद करते हैं. दे हेल्प मी टू लिफ्ट थिंग्स. दे हेल्प मी टू लिफ्ट थिंग्स. ये मुझे किसी चीज़ को उठाने में मदद करते हैं. लिफ्ट मतलब उठाना, किसी भी चीज़ को उठाने में मदद करते हैं. तो आपने ये चैप्टर, ये वाला पेज जो है, इसको पूरे को रीड करना है अच्छे से और इसको समझना है.